नमस्कार, मैं राधे जाट। आज मन बड़ा ही विचलित और दुखी हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के लिए जो एक काला दिन साबित हुआ है, जिस तरह से आज युवा बेरोजगार छात्रों पर पुलिस की बर्बरता दिखाई गई है और छात्रों को बुरी तरीके से भोपाल में पीटा गया है, ये मैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से कहना चाहता हूँ कि छात्रों के साथ जो आज बर्बरता की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से आप युवाओं की आवाज़ को दबा नहीं सकते। वो अपना एक अधिकार लेने ही तो गए थे, बेरोजगार छात्र, उसको पुलिस ने इस बर्बरता से जो पीटा है वो बहुत घोर निंदनीय है। और सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार, आप थोड़े दिन के डंडे के दम पर बच्चों की या छात्रों की, जो बेरोजगार युवा, उनकी आवाज़ को दबा सकते हो, लेकिन ये आज युवा जिस तरह से लाठी पड़ी, इस लाठी का जवाब एक गवर्नर के रूप में और एक बड़े आंदोलन के रूप में सरकार को देगा और मध्य प्रदेश से इस जो शिवराज मामा की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकेगा। क्यों? क्योंकि आज आपने युवाओं पर जिस तरह से, वो अपना अधिकार मांगने आए थे, उन्होंने कोई भी ऐसी असंवैधानिक हरकतें नहीं की थी या ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि उन पर डंडों से वार किया जाए, लेकिन जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई है, ये राक्षसों से भी कि निंदनीय घटना है। इसके लिए बहुत ही हम आक्रोशित हैं और मध्य प्रदेश में एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा की तरफ से छात्रों के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं और इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप देंगे, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से आप बर्बरता कर रहे हैं तो और किसी की भी आवाज को इस बर्बरता के ऊपर दबा नहीं जा सकता है। अब वक्त आ गया मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं और सारे संगठनों को एक जगह आकर एक छत के नीचे बड़ा आंदोलन करना है और इस शिवराज सरकार को उसी की तरह जवाब देना है जिस तरह से वो हमारे साथ अन्याय कर रही है। आज युवा कितने समय से बेरोजगार बैठा है, किसी की उम्र निकलती जा रही है। युवा आज अगर आंदोलन नहीं करेगा, और आंदोलन करना हमारे भारत का संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता, और हमारे युवाओं ने किसी भी तरीके से कोई गलत काम नहीं किया, तो मध्य प्रदेश की इस मामा सरकार को आगाह कर रहे हैं और एक सभी छात्र और सभी संगठन एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम इस बर्बरता की घोर निंदा करते हैं। आगे पूर्ण रूप से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाला हूं, तो आप सभी छात्रों से आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझे जो भोपाल में है कि आप अकेले हैं। मध्य प्रदेश का हर जो छात्र युवा है वो आपके साथ है और जल्द ही एक बड़े स्वरूप में इस आंदोलन